नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अराउंड द वर्ल्ड में, जहां आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी जगहों की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, कुछ ऐसी घूमने की जगहों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। जी हाँ, मैं कोई ताजमहल, लाल किला या गोल्डन टेम्पल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ आप शायद ही कभी गए होंगे या शायद ही आपने कभी सुना होगा। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी एक ना एक बार लाइफ में वो जगह जरूर जाएं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी कोई भी ट्रेवल अपडेट आगे से मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले मैंने 10th नंबर पे कैटेगराइज किया है, वो है श्री वीरभद्र टेंपल, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इसके कुछ पिलर्स हवा में लटकते हैं। बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसका रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक असफल रहे। आप इस मंदिर में जरूर जाएं और ये एक अद्भुत नज़ारा अपनी आंखों से जरूर देखें। 9th नंबर पे मैंने कैटेगराइज किया है, वो है चालकुडी, जो कि केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जगह केरला के कैपिटल सिटी कोची से करीब 47 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बाय रोड और बाय ट्रेन से भी जा सकते हैं। यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम विंटर सीजन में माना गया है, जो कि नवंबर से लेकर फरवरी तक है। यहाँ आपको चालकुडी रिवर मिलेगी, जो कि फेमस है अपने तरह तरह के मछलियों के प्रजातियों की वजह से। यहाँ आपको करीब 150 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप यहाँ छापरा फॉल्स और अथिरापल्ली फॉल्स में भी जा सकते हैं। अगली अगर मैं बात करूं तो वो है 8th नंबर पे मजुली रिवर आइलैंड, जो कि असम के मजुली डिस्ट्रिक्ट में है। गुवाहाटी से करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको पहले जोरहाट जाना होगा, वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा आपको मजुली रिवर आइलैंड के लिए। मजुली रिवर आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माना गया है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आप असम में जाटिंगा जा सकते हैं, जो कि बर्ड सुसाइड मिस्ट्री के नाम से बहुत फेमस है। और 7th में मैंने कैटेगराइज किया है नागालैंड स्टेट का ज़ोकू वैली, जो कि नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर के बीच में है। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है और जंगल के बीच रहना पसंद है तो ये जगह आपके लिए ही है। आपको ये नागालैंड का ज़ोकू वैली देखने एक बार ज़रूर जाना चाहिए। नागालैंड हमेशा से ही टूरिज़्म के मामले में पीछे रहा है। अगर आपको नागालैंड में घूमने के लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। नंबर पे मैंने कैटेगराइज किया है लोकताक लेक मणिपुर। जी हाँ, आप सबने सही सुना है, मणिपुर भी हमेशा से ही टूरिज्म के नाम पे पीछे रहा है। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट पे बताया था नागालैंड के बारे में, सेम वही मैं बात यहाँ पे भी करूँगा। मणिपुर भी सेम नागालैंड की तरह पीछे रहा है हमेशा से टूरिज्म के मामले में। तो मैं आप सबको ये बता दूँ कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर लेक का नज़ारा देखने को मिलता है। लोकताक लेक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर लेक माना गया है। ये मणिपुर की कैपिटल सिटी इम्फाल से सिर्फ 52 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लेक मोयरांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये लेक टूरिस्ट की नज़रों में नहीं आया है, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ ज़रूर जाएं और इस लेक का आनंद लें। 5th नंबर पे मैंने बात की है मेघालय के क्रांगसुरी वाटरफॉल की। आप सबने शिलोंग, चेरापुंजी और दाउकी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, जो कि शिलोंग से करीब 92 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही आप मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स पे स्थित मावल्यांग गांव, जो कि एशिया का सबसे साफ और सबसे स्वच्छ गांव माना गया है। जी हाँ, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज के नाम से ये जाना जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ जाएं और ये दोनों ही अद्भुत जगहों अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर देखें। नंबर पे मैंने बात की है राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित देशनोक का करनी माता मंदिर। राजस्थान के टूरिज्म को तो आप बखूबी जानते हैं। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर और ना जाने कितनी जगह है राजस्थान में घूमने लायक, लेकिन ये एक अनोखे मंदिर के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये मंदिर टेंपल ऑफ रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि इस मंदिर के कोने कोने में आपको काले चूहे देखने को मिल जाएंगे। कहा गया है कि यहाँ काले चूहों की तादाद करीब 25,000 से ऊपर है। चूहों को यहाँ काबा के नाम से जाना जाता है। ये करनी माता का मंदिर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में है। कहा गया है कि सफ़ेद काबा को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप राजस्थान जाएं तो यहाँ जाना
भूलिएगा नहीं। थर्ड नंबर पे मैंने बात की है तवांग के बारे में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जगह अपनी स्नोफॉल और सुंदर नज़ारों के लिए फेमस है। तवांग करीब 3048 मीटर अबव सी लेवल पे स्थित है। यहाँ आप असम के कैपिटल गुवाहाटी से बाय रोड जा सकते हैं। तवांग घूमने का सबसे बेहतरीन समय सितंबर से लेकर मार्च तक माना गया है। दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो वो जम्मू कश्मीर से है। आप सब कश्मीर की सुंदरता से तो बखूबी वाकिफ होंगे। श्रीनगर की सुंदरता, लद्दाख का एडवेंचर्स और पहलगाम, और ना जाने क्या क्या है कश्मीर में। कश्मीर को तो जन्नत का नाम दिया गया है भारत में। पर यहाँ स्थित एक और जगह है जो टूरिस्ट स्पॉट से एकदम अलग है, जहाँ लोग जाना कम पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं कश्मीर के ही छोटे से टाउन की बात कर रहा हूँ, जो चातपल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और ग्रीनरी देखने लायक होती है। चातपल श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको येलो और वाइल्ड फ्लावर्स और माउंटेन व्यू का नज़ारा देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आप दूधपत्थरी पे भी जा सकते हैं। दूधपत्थरी भी देखने लायक जगह है। दूधपत्थरी करीब 8950 फीट अबव सी लेवल पे स्थित है और ये करीब 42 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। आप ज़रूर जाएं ये नज़ारा देखें। तो चलिए फाइनली अब हम बात कर लेते हैं एक नंबर की। फर्स्ट नंबर पे मैंने कैटेगराइज किया है उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड और वैली ऑफ फ्लावर्स। रूपकुंड को स्केलेटन लेक और मिस्ट्री लेक भी जाना जाता है। रूपकुंड करीब 16,470 फीट के एल्टीट्यूड में स्थित है। यहाँ जाने का पूरा एक ट्रैकिंग ग्रुप पैकेज भी मिलता है। रूपकुंड लेक स्केलेटन लेक से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ के ट्रैकिंग के दौरान बहुत से ह्यूमन स्केलेटन्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही आप उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स में भी जा सकते हैं। यहाँ आपको खूब सारी फूलों की प्रजातियाँ एक लाइन में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी कुछ मेरी तरफ से कैटेगराइज की हुई अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, बाकी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से थोड़ा अलग। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी को कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबसे अच्छी लगी और आप कहाँ जाना पसंद करेंगे सबसे पहले। एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अगर कोई भी वीडियो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।